कि बिहार में दुर्भाग्य से पारिवारिक राजनीति के कारण नाबालिग विपक्ष की भूमिका हो गई है। जो ये कह रहे हैं कि बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी, तो हम विपक्ष के नेता को सलाह देना चाहते हैं कि सीआरपीसी का सेक्शन 41 आप पढ़ लीजिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है। बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगर ये कानून गलत है तो 1973 का जो सीआरपीसी का एक्ट है वह गलत है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हम बात कर रहे हैं आज उस काले कानून की जिसके बारे में विपक्ष बार बार कह रहा है कि यह काला कानून है। और इस जो बिल था जिसे अब कानून बना दिया गया है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से पारित करने के बाद, उसका नाम है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। यह बिल था जो अब कानून बन गया है। आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जिसमें विपक्ष को यह सब कुछ काला दिख रहा है? हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे मसले पर हैं नीरज सिंह, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं। ये बताइए कि विपक्ष इसे काला कानून बता रहा है, आखिर इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के उन्हें संदेह है कि ये लोगों के, आम जनता के विरोध में है? कि बिहार में दुर्भाग्य से पारिवारिक राजनीति के कारण नाबालिग विपक्ष की भूमिका हो गई है और ये बीएमपी का विस्तारीकरण है। बीएमपी मतलब बिहार मिलिट्री पुलिस। बिहार मिलिट्री पुलिस, इसका नया नामकरण किया गया और विशेष शक्ति इसको इसलिए दी गई कि इसका सीमित क्षेत्र है। पहले ये बताइए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपके पास जब पहले ही बीएमपी है या फिर बिहार पुलिस है, तो आखिर इसे एक अलग से सीआईएसएफ की तर्ज पर पुलिस बल बनाने की क्या जरूरत पड़ी? राज्य में पहले बीएमपी की जो भूमिका थी केवल कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण के लिए पुलिस को सहयोग करता था। अब इसको नई जिम्मेवारी दी जा रही है कि जैसे हमारा म्यूजियम है, हिस्टोरिकल हेरिटेज है, एयरपोर्ट है, तो जो केंद्रीय बल पर हमारी निर्भरता रहती है, इसमें राज्य सरकार का संसाधन भी खर्च होता है, तो हमारा अपना पुलिस बल अगर इसको इम्पावर्ड कर दिया जाए और देश के विभिन्न राज्यों में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तो ये कौन सा मामला है जिसको आप कह रहे हैं? जो आप कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में है, तो दूसरे राज्यों में क्या सेम जो इस कानून में प्रावधान किए गए हैं वही है या कुछ अलग है? इसके कानून सीआरपीसी से चलता है और ये सीआरपीसी की किताब है। और इस सीआरपीसी का किस खंड में ये काला कानून है जो ये कह रहे हैं कि बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी? तो हम विपक्ष के नेता को सलाह देना चाहते हैं कि सीआरपीसी का सेक्शन 41 आप पढ़ लीजिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है। बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आप पढ़ लीजिए सेक्शन 57 और हम लोगों ने जो कानून बनाया है उसमें सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 57 सीआरपीसी का यह कहता है कि 24 घंटे के अंदर में उसको उपस्थापित करना न्यायपालिका में। और यह कानून कहता है सेक्शन 9 कि गिरफ्तार होने के तुरंत बाद अविलंब पुलिस पदाधिकारी को या स्थानीय थाने को आप सुपुर्द कर देंगे। तो 1973 का यह कानून है, तो ये कानून गलत। अगर ये कानून गलत है तो 1973 का जो सीआरपीसी का एक्ट है वह गलत है। इसलिए ये विपक्ष के लोग बगैर कोई जानकारी, उनकी आशंका ये है, उनकी आशंका को दूर करें आप, कि कभी भी कोई व्यक्ति टहल रहा है प्रतिष्ठान के सामने में, उसको शक हुआ कि ये बदमाश है, ये आतंकवादी है, ये नक्सली है, चलो भाई इसको पकड़ कर अंदर कर दो, तो इससे कैसे आप करेंगे? विपक्ष को जानकारी का अभाव है। सीआरपीसी में कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उनको ये पता नहीं है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो पुलिस की उपस्थिति में भी अगर हुआ है तो उसको तो पुलिस पकड़ लेगी कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले को। और हमारे सीआरपीसी में असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें 2 वर्ष से कम की सजा है, तो उसमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है उसको बाहर में। लेकिन इसमें कहता कि ऐसा कोई प्रावधान विशेष सशस्त्र पुलिस बल विधेयक में नहीं है। भाई ये जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, एनआईए एक्ट क्यों बनाना पड़ा? मैं तो पूछना चाहता हूँ विपक्ष से। लालू जी तो उस समय रेल मंत्री थे, मुंबई की घटना हुई, हमारे पुलिस के पदाधिकारी को जान देना पड़ा, लेकिन ये तत्कालीन जो परिस्थिति पैदा हुई उसके बाद 2008 में एनआईए कानून बना। तो ये परिस्थिति के अनुसार इसका विस्तारीकरण हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है और नए नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उन लोगों को वेल इक्विप्ड किया जाएगा, जो अब हमारी निर्भरता है वह घटेगी, हमारा जो संसाधन। इस कानून में ऐसा है, ऐसा प्रावधान है क्योंकि एक भ्रांति फैल रही है, लोगों को गलतफहमी हो रही है कि इसमें जो न्यायालय में है इसके लिए अलग से प्रोविजन होगा और उसके तहत में इन्हें
जो दंड देने का अधिकार होगा इनके पास होगा? नहीं नहीं, ये बेतुका बात हो रही है सब। जब ये प्राइमरली जब कोई गिरफ्तार होगा उसी समय उसको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जो बिहार पुलिस का लोकल थाना है उसको हैंड ओवर कर, बगल का जो थाना है, बगैर कोई देर किए। तो भाई तो लोकल प्रोसीजर जो है कानून का वही अनुपालन है ना। क्या सिर्फ जो आप कह रहे हैं कि विशेष सशस्त्र पुलिस जो बनाया गया है बल, इनके पास सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तार करने की ताकत है, इसके आगे कुछ नहीं? जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो लोकल पुलिस करेगी? नहीं देखिए, इसका पूरी प्रक्रिया ये है कि जब कोई व्यक्ति, अब विशेष परिस्थिति हो गई, हमारा जैसे बोधगया का हेरिटेज है उस पर हमला हो गया तो हमको परेशानी हुई, तो अब इस संबंध में जो भी औपचारिक प्रक्रिया है वह जो CRPC का रूल है उसी का अनुपालन होगा, कोई नया चीज़ नहीं है। तो मैं यही सवाल पूछता हूँ कि क्या ये CRPC का कानून गलत है, अनडेमोक्रेटिक है? तो 1973 का कानून है और आज 2021 में इस सवाल को आप उठा रहे हैं, इसका कौन सा उपबंध है जिसमें कि ये लगता है कि ये अनडेमोक्रेटिक है? देखिए, इसमें जो बताया जा रहा है ख़ास तौर से 7वें नंबर पे 8वें और 9वें और 11वें है, उसमें जो आप दे रहा है 15वें, न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है, अलग से कोई प्रक्रिया है? यही तो हम जानना चाहते हैं। ये लोग जो बता रहे हैं कि भाई जब हम लोगों ने इस संबंध में किया, अब इसमें क्या कह रहा है ये अद्भुत, इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय नहीं लेगा जब आरोपित एक व्यक्ति विशेष सशस्त्र पुलिस पदाधिकारी है जिसके अपराध में गठित तथ्यों की लिखित रिपोर्ट एवं सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत पदाधिकारी की पूर्व मंजूरी पर। मैं यही सवाल उनसे पूछता हूं कि भाई आप तो जानकार लोग हैं, तो आप हमको बताइए कि CRPC का 42 रूल क्या कहता है, किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है संज्ञेय अपराध में, और यह भी कहता है कि साथ ही साथ जो CRPC का 197 अंडर सेक्शन 1973 का है कि न्यायाधीश एवं लोक सेवक पर अगर संज्ञान लेना हो तो पहले सरकार से अनुमति लेना होगा, ये CRPC का कानून कहता है। अब सेक्शन 15 जो हमारा है कि पुलिस सशस्त्र बल विशेष पुलिस परिसर में संज्ञान लेने के पूर्व सरकार से अनुमति के लिए ये करेगा, यही तो है सेम टू सेम। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई इसमें एक कहा जा रहा है कि इनके जो अधिकारी होंगे स्पेशल फोर्स के, इनको प्रोटेक्शन मिला रहेगा, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये कह रहे हैं आपके विरोधी जो है वो ये बात कह रहे हैं। अरे भाई, तो ये वही सवाल उल्टा उठा रहे हैं वो, इसमें तो वही प्रावधान है जो CRPC का प्रावधान है कि कोई लोक सेवक पर, न्यायाधीश पर अगर कार्रवाई करना होगा तो आपको अनुमति लेना होगा, तो फिर ये कहां बहस का विषय बना हुआ है, इससे किसको असहमति है? ये आप जो जिस जगहों पर लेंगे, जैसे सरकारी उपक्रम हो गया, औद्योगिक प्रतिष्ठान हो गए, तमाम जगह होंगी, इसके अलावा भी कहीं और भी आप इसको कर सकते हैं, ऐसा कानून में प्रोविजन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तात्कालिक रूप से जो यह कहा गया है कि बिहार तीव्रता से विकास करता हुआ राज्य है, तो जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल सेक्टर के हैं, जो एयरपोर्ट हैं, वो भी जो जरूरत के हिसाब से उसको डिप्लॉय किया जाएगा, और इसके लिए परेशान क्यों होना है भाई? CRPC के खिलाफ है कि नहीं सो बताइए, सीधा सीधी हम यह जानना चाहते हैं विपक्ष से कि जो भारतीय दंड संहिता CRPC में जो प्रावधान है उसके तहत है। आप ये जो बता रहे हैं कि ये जो CISF के लिए स्पेशल बना था, ये कब बना था और इसके प्रावधान के समय में भी डिबेट हुई थी लोकसभा में, राज्यसभा में, उस समय भी लोगों ने विरोध किया था? CISF का जो अधिनियम 1968 का ये है जो मेरे पास किताब है, और इस समय भी पार्लियामेंट में ये सवाल उठा था कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है कि भाई स्टेट के यहाँ क्यों जाएगा CISF, हम अपने पुलिस बल को क्यों भेजेंगे? आज परिस्थिति बदल गई, अब तो हर राज्य अपना पुलिस बल बनाना चाहेगा। इससे हमारी समझ है कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीका है, सत्ता से नहीं मिलने की जो भूख है उसके चलते राजनीति में उठपटांग बातें बिहार में की जा रही हैं। जाहिर है कि जितनी सारी गलतफहमियां लोगों के बीच में है उनको दूर करने की हमने कोशिश की एक्सप्लेनर के माध्यम से। नीरज सिंह थे जरूर हमारे साथ, लेकिन जो तथ्य उन्होंने रखे उसमें ये बातें साफ हो रही हैं कि CRPC के तहत जो भी प्रावधान थे उसके मुतल्लिक ही सब कुछ किए जाएंगे। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज पटना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।